अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज इस वीडियो में हम अपने सेकंड बेबी का छोटा सा नर्सरी सेटअप करेंगे। मेरे पास बेबी के सारे आइटम्स कंप्लीट हो गए थे, कुछ अभी भी मिसिंग हैं बट वो टाइम बाय टाइम आते रहेंगे। साथ ही साथ आज उसका बेड भी सेट करेंगे और जितने कपड़े हमने बाय किए अब तक उसके लिए सब हैंगर्स में लगाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेबी की सारी बेसिक एक्सेसरीज एक ही जगह पर हों इसके लिए मैंने टीमू से एक रैक ऑर्डर करवाया था, क्योंकि न्यू बॉर्न के साथ आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसकी ज़रूरत की चीज़ के लिए बार बार उठें। तो आपके पास एक ऐसी स्पेस होनी चाहिए जिसमें बेबी की सारी ज़रूरत की चीज़ें आपके साथ पड़ी हों, ताकि जैसे ही आपको ज़रूरत पड़े आप अपने साथ से उठा के वो यूज़ कर लें। इस रैक के चार खाने थे, तो सबसे ऊपर वाले में मैं पैम्पर, वाइप्स और चेंजिंग शीट्स रख रही हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं। इस खाने में मैंने बेबी के फीडर, पेसिफायर्स, नेल कटर, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें रखी थी। इस खाने में मैंने बेबी की सारी कैप्स, सॉक्स, मिटन्स सब एक ही जगह पर सेट करके रख दी। ये बेबी के 7 बॉडी सूट्स हैं, ये भी मैंने यहीं रख दिए। यहाँ पर मैंने बेबी के सब टॉवल्स रख दिए। यहाँ पर मैंने बेबी की सब स्लीवलेस शर्ट्स रख दी, जो कि मैं सूट के नीचे पहनाया करूँगी।
ये एक बेबी का छोटा सा क्यूट सा पर्स था, इसमें मैंने बेबी के सारे हेयर बैंड्स रख दिए। इसमें मैंने बेबी के सारे ब्लैंकेट्स, टॉवल्स और स्वेडल्स रख दिए। तो मेरा रैक फाइनली सेट हो गया और तमाम आइटम्स बेबी के एक ही जगह पर आ गए। अब यहाँ पे मैं बेबी का बेड सेट कर रही थी। अब तक हमने जितने बेबी के कपड़े बाय किए थे वो सब मैंने हैंगर्स में लगा के यहाँ लटका दिए। तो फाइनली हमारे आने वाली बेबी की छोटी सी नर्सरी सेट हो गई। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें अपनी कीमती दुआओं में याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।